गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा इसमें हम आज स्टार्ट करें एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 13 से। तो फर्स्ट 12 क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में हम कर चुके हैं, 13 से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, तो पहले इस लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट खोलो, 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ, 2 की इसके साथ, 2 जा 4x, 2 3 जा 6 और माइनस के 10, 6 से मल्टीप्लाई 6x, 6 2 जा 12। ओके, यहाँ से ये 4x, 6 में से 10 माइनस कर दो, माइनस 4 लेस देन 6x माइनस 12। अब x वाली टर्म एक तरफ कर दो, बाकी टर्म्स एक तरफ कर दो, तो यहाँ पे 4x, इस 6x को लेफ्ट में ले जाओ, ये साइन एज इट इज, माइनस 12। ये माइनस 4 को राइट में ले जाओ, प्लस 4 में से 6 गया माइनस 2x, 12 में से 4 गया माइनस 8। ओके, ये दोनों माइनस कैंसिल हो जाएंगे, जब आप इन दोनों माइनस को कैंसिल करोगे तो यहाँ पे 2x हो जाएगा और ये 8, और ये वाला साइन चेंज हो जाएगा। लेस है तो ग्रेटर कर देना, ग्रेटर है तो लेस कर देना। 2 मल्टीपल में है, ये साइन एज इट इज, 2 से इधर ला के डिवाइड कर दो, 2 4 जो कितना हो जाएगा 8। तो इट मीन्स कि जो हमारा आंसर है वो x क्या है, 4 से बड़ा। मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ पे लिखते हैं 0 1 2 3 4 5 और अप टू यहाँ पर इनफाइनाइट, यहाँ -1 -∞। तो यहाँ पे ये 4 4 पर एक लाइन ड्रॉ कर लो और इसके ऊपर एक छोटा सा सर्कल लगा दो। अब 4 से बड़ा नंबर, 4 से बड़ा नंबर ये वाला होगा, क्लियर। तो इसका जो आंसर होगा 4 से लेकर इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट के साथ हमेशा स्मॉल ब्रैकेट 4। अगर यहाँ इक्वल का साइन आएगा तो बड़ी ब्रैकेट आएगी, इक्वल नहीं होगा तो स्मॉल ब्रैकेट आएगी, ये ओपन इंटरवल कहलाता है, ठीक है। दिस इज योर आंसर, क्लियर है बेटा क्वेश्चन ये वाला। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, देखो बेटा 14th 15th क्वेश्चन कर लेना, क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, 2x-1 / 3 ग्रेटर देन इक्वल 3x-2 / 4 - 2 - x / 5। देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्यूशन 2x-1 / 3, ये साइन एज इट इज, 20 एलसीएम ले लें, 4 5 जा 20, इस 20 को 4 से डिवाइड कर दो, 5 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 3 जा 15x, 5 2 जा 10, माइनस 20 को 5 से डिवाइड कर दो, 4 4 से मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8, 4x हो गया। ब्रैकेट के बाहर माइनस से साइन चेंज कर लो, तो यहाँ से 2x-1 / 3 ग्रेटर देन इक्वल 15x-10, साइन चेंज करो, प्लस 4x एंड डिवाइड बाय 20, ठीक है। तो यहाँ से 2x-1 / 3 ग्रेटर देन इक्वल 15x और 4x 19x, 8 और 10 कितना हो जाएगा 18, डिवाइड में 20। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसके मल्टीप्लाई पर 3 को ऊपर ले जाओ, यहाँ 20 2x-1 ग्रेटर देन इक्वल 19x-18 और ये 3 इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया। ब्रैकेट ओपन करो, 22 जा 40x, 20 को 1 से 20, 3 से मल्टीप्लाई 57x, ये 3 को 18 के साथ 54। तो x वाली टर्म्स एक तरफ कर लो, बाकी एक तरफ कर लो, 40x-15 7x, ये साइन एज इट इज, -54, 20 को राइट में ले जाओ तो ये प्लस हो जाएगा। अब 40 में से 57 माइनस कर दो, -17x, साइन एज इट इज, 4 में से 0 गया 4, 5 में से 2 गया 3, साइन माइनस, दोनों माइनस कैंसिल कर दो, तो यहाँ 17x, यहाँ से माइनस कैंसिल 34, जब ये साइन कैंसिल हुआ तो यहाँ से ये साइन उल्टा हो गया। याद रखें माइनस की कटिंग नहीं करनी, बस नेक्स्ट स्टेप में उसको छोड़ दो। 17 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, 17 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 2, ठीक है, 2 या 2 से लेस हो गया। तो एक लाइन ड्रॉ कर दें, यहाँ से लिखें 0, यहाँ पे 1, यहाँ 2 3 और अप टू इनफाइनाइट तक, -1 -2 -∞। 2 पर एक लाइन ड्रॉ कर लो, इसके ऊपर एक स्मॉल सर्कल लगाओ, ठीक है, 2 से छोटी टर्म ये वाली होगी, तो इस लाइन को यहाँ पे डार्क कर दें, ठीक है। तुम्हारा आंसर कहाँ होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, -∞ से 2 तक। अब यहाँ 2 के साथ इक्वल का साइन लगा है तो इस सर्कल को यहाँ पे फिल कर दो, ओके बेटा, ठीक है। और 2 के साथ इक्वल है बड़ी ब्रैकेट,
और इनफाइनेट के साथ हमेशा स्मॉल आएगी, ये याद रखें, चाहे इनफाइनेट है चाहे माइनस इनफाइनेट है, उसके साथ हमेशा ही स्मॉल ब्रैकेट लगानी है। दिस इज योर आंसर। ठीक है, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू, x इन दोनों के बीच में बिलोंग करता है, यानी x इन दोनों के बीच में, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके बेटा, ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, 18 है, 19 है और 20 है। चलो एक क्वेश्चन और कर देता हूँ, तो फर्स्ट 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाए, क्वेश्चन नंबर 20, तो एक्स बाई टू ग्रेटर देन इक्वल 5x माइनस टू डिवाइड बाई 3, और यहाँ पे लिखा है 7x माइनस 3 डिवाइड बाई 5। ठीक है, इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम क्या करें, एलसीएम ले लें। ठीक है, यहाँ पर एलसीएम ले लो, एक्स बाई टू ग्रेटर देन इक्वल 3 5 जो 15, इस 15 को 3 से डिवाइड कर दो, 5 से इसको मल्टीप्लाई करो, 5x माइनस टू माइनस 15 को 5 से डिवाइड 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, यहाँ से x बाई टू ग्रेटर देन इक्वल 5 5 जो 25x, 5 2 जो 10, 3 7 21x माइनस माइनस प्लस 3 3 जो 9, और डिवाइड में कितना आ जाएगा 15। क्लियर, तो यहाँ से आ जाए आपके पास x बाई टू ग्रेटर देन इक्वल 25 में से 21 माइनस कर दो, 4x 10 में से 9 क्या माइनस 1 डिवाइड बाई 15। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 15 को ऊपर, तो 15x हो गया, 2 से मल्टीप्लाई, 2 4 जो 8x, 2 1 जो 2, इस 8x को लेफ्ट में ले जाओ, 15 में से 15x माइनस 8x ग्रेटर देन इक्वल माइनस 2, 15 में से 8 गया 7x ग्रेटर देन इक्वल माइनस 2, 7 से डिवाइड कर दो तो माइनस 2 बाई 7। ठीक है, माइनस 2 बाई 7 से ग्रेटर या उसके इक्वल, तो एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ लिख लें इनफाइनेट और यहाँ पर माइनस इनफाइनेट, तो अंदाजे से कहीं पर भी इधर पॉइंट लगा दो, और यहाँ पर लिख दो माइनस 2 बाई 7, कहीं भी लगा दो पूरी लाइन पे। ठीक है, इसके ऊपर एक सर्कल लगा दो, अब माइनस 2 बाई 7 से ग्रेटर, तो ये टर्म यहाँ पर आएगी ना, छोटा होता तो इधर, अब इक्वल का साइन है तो यहाँ पर ये सर्कल भी फिल कर दो। ओके, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, माइनस 2 बाई 7 से अप टू इनफाइनेट। ठीक है, इक्वल का साइन है तो इसके साथ बड़ी ब्रैकेट, या आप इसका ऐसे भी लिखते हैं एक्स बिलोंग्स टू, एक्स इसके बीच में बिलोंग करता है। दिस इज योर आंसर। तो इसके साथ ही, इस वीडियो के साथ आप ये देख सकते हैं कि आप एक्सरसाइज 6.1 के पहले 20 क्वेश्चन आप उसमें से अटैम्प्ट कर सकते हो। सारे क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हैं, आप उसे ट्राई करें अपने आप, पीछे देखें आंसर आपको ज़रूर मैच करेगा। ओके, थैंक यू।